कटनी के बरखेरा निवासी चंदन सिंह लोधी की शिकायत पर लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गजेंद्र सिंह पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान अधिकारी लोकायुक्त कमलकांत उइके द्वारा यह बताया गया है कि जमीन के सीमांकन के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड चंदन सिंह से गजेंद्र सिंह पटवारी द्वारा की गई थी, जिसे रंगे हाथों ट्रैप करने पर रिश्वत की रकम पटवारी द्वारा 4,500 रुपए अपने मुख में डालकर चबा लिए गए। लोकायुक्त जबलपुर टीम द्वारा पटवारी गजेंद्र सिंह को जिला अस्पताल लाया गया और मुंह से चबाए हुए रिश्वत के नोट निकालने की कोशिश की जा रही है। जिले में यह पहला मामला सामने आया है जब किसी शासकीय कर्मचारी ने लोकायुक्त की कार्यवाही से बचने के लिए रिश्वत के रुपए को चबाकर निगल लिया। कटनी जिले में हाल ही में एक एक कर रिश्वतखोर शासकीय कर्मचारी पकड़े गए, उसके बावजूद भ्रष्टाचार में लिप्त शासकीय कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो कटनी में सबसे ज्यादा लोकायुक्त टीम द्वारा भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है, मगर यह पहला मामला ऐसा है कि कार्यवाही से बचने के लिए किसी कर्मचारी ने रुपए चबा लिए। दिनांक 10/7/23 को आवेदक है चंदन सिंह लोधी निवासी बरखेड़ा। इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके दादा की जमीन है बरखेड़ा में, तो जमीन के सीमांकन और उसके रिपोर्ट देने के एवज में संबंधित जो हल्का पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की। आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहाँ पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई, उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उसे नष्ट करने की कोशिश की। 4,500 रुपये उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया, तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। नहीं, नोटों के टुकड़े हैं, कुछ लुगदियाँ हैं जो जब्त हुए हैं। लेन देन के मामले में अभी तो जो राशि है वो तो जब्त नहीं हो पाई, बाकी दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। मैं निरीक्षक कमल सिंह के लोकायुक्त जबलपुर। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।